नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सर। आज मैं आपको लेके आया हूँ दाता मूवी की शूटिंग लोकेशन पे। ये मूवी दोस्तों 1989 में बनी थी और ये अपने जयपुर शहर राजस्थान में बनी थी। ये मूवी आमेर एक जगह है, आमेर का किला, उसके पीछे ये एक सागर है, वहाँ पे ये मूवी की शूटिंग हुई है। तो आज मैं आपको उसी मूवी की, दाता मूवी की शूटिंग लोकेशन बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक अर्निंग ऐप बताने जा रहा हूँ जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अपने घर बैठे बैठे आराम से। 200-300 रुपये रोज के आप कमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार ऐप दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों उस ऐप का नाम है रोजधन और बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों। और ये है वो ऐप, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ऐसा इसका इंटरफेस है, आप यहाँ से न्यूज़ पढ़ के भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप जब इसको डाउनलोड करोगे मेरे लिंक से तो आपको 25 रुपये मिलेंगे। अगर आप मेरा रेफ़र कोड डालते हो तो आपको 25 रुपये और मिल जाएंगे। और अगर आपने अपने दोस्तों को डाउनलोड कराते हो तो आपको 1500 कॉइन मिलेंगे। और बहुत अच्छी ऐप है और ट्रस्टिंग ऐप है, ये सबको पैसे देती है। बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना और आगे आपकी मर्ज़ी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड करो, रेफर कोड भी है वहाँ पे। दोस्तों अगर ऐप अच्छी लगी हो तो डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो की, वहाँ से डाउनलोड करना। और मेरा रेफर कोड भी उसके नीचे मिल जाएगा। रेफर कोड डालने के बाद आपको 25 रुपये और मिल जाएंगे। डाउनलोड करोगे तो 25 रुपये मिलेंगे और मेरा रेफर कोड डालोगे तो 25 रुपये और मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी में सीन सबसे पहले यहाँ का लिया गया, जब मिथुन चक्रवर्ती घोड़े से भागते हैं, शशि कपूर उनके पीछे भागते हैं, वो सीन यहाँ से लिया गया। इसी मस्जिद का सीन है वो, आपको सीन शॉर्ट में दिख रहा होगा नीचे। और उसका नेक्स्ट सीन आता है इधर से, जब पब्लिक खड़ी रहती है इस मस्जिद के सामने और मिथुन चक्रवर्ती घोड़ा से भागते हैं, तो यही है। अभी दुकानें बन चुकी हैं, पहले दुकान नहीं थी, देख लो यही सीन है दोस्तों वो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं फिर दूसरी लोकेशन की तरफ, जहाँ पे दूसरा सीन शूट हुआ था। एक सीन दोस्तों यहाँ शूट हुआ था, जब उनके दोस्त यहाँ से नमाज पढ़ रोज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, तो यही जगह है वो दोस्तों। और ये जगह आमेर है, आमेर के पीछे सागर है, सागर की ये जगह है दोस्तों। और यहीं पर खड़े हुए वो बोलते हैं, और उनकी माँ मिथुन चक्रवर्ती की माँ इस जगह से आती है हीरोइन के साथ। तो यही पेड़ है दोस्तों, वो सामने जो आपको दिख रहा है इसी पेड़ की तरफ से आती है। इसके ऊपर एक और पेड़ था, वो अब टूट चुका है, पिक्चर को बने दोस्तों 30 साल हो चुके हैं। तो वीडियो में आपको दिख रहा होगा पेड़, एक ही पेड़ बचा हुआ है ये वाला, वो यही सीन है दोस्तों। और ये मंदिर बना हुआ है माता जी का, काली माता जी का मंदिर है दोस्तों ये। और इसी के सामने भी सीन शूट हुए हैं मूवी के। तो चलिए मैं आपको दूसरे सीन की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों एक सीन यहाँ से मंदिर का लिया गया है, जब मिथुन चक्रवर्ती अपने दोस्त उसकी माँ के सामने, उसकी माँ उनको समझाती है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तो वही सीन यहीं से शूट किया गया है दोस्तों। और एक सीन फिर से ऐसे निकल के आता है, अभी इसमें क्या है, रेलिंग वगैरह लगा दी है, पहले यहाँ पर रेलिंग वगैरह नहीं थी। तो यही है दोस्तों, यही सीन है। उसके बाद सीन आता है जब अपनी बंदूक यहाँ पर रखते हैं दूसरे हीरो, तो यही वो जगह है दोस्तों, आपको इसी शॉट में दिख रहा होगा। और एक जगह आती है इसमें से, ये वाला सीन आता है इसी मंदिर का, और यही वो पेड़ हैं। आज भी वही लोकेशन है, थोड़ी बहुत बहुत कम चेंज हुई है। एक वो पेड़ है जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती खड़े रहते हैं, और पीछे से बैकग्राउंड में इस पेड़ को दिखाया गया है। तो 30 साल बाद ये पेड़ ऐसा हो चुका है, पूरा सूख गया है अभी ये। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यही पेड़ है दोस्तों वो, इसी के पीछे का सीन। एक सीन यहाँ से आता है जब मिथुन चक्रवर्ती जी यहाँ से फायर करते हैं, तो एक सीन इस जगह का लिया गया है, आपको उसकी जोर दिख रहा होगा। पहले ये टूटी फूटी थी, अभी सरकार ने बनवा दी गई है दीवार। तो यही सीन है दोस्तों, और ये दीवार आपको दिख रही है, बहुत कम दिख रही है दीवार, ये पत्थरों से ढक चुकी है, पहाड़ों से। तो यही सीन है दोस्तों, एक यही काली माँ का मंदिर है पास में, और इसी चोटी का सीन लिया गया है, जब बोलते हैं मास्टर के बेटे को सबक सिखा दो, तो वो सीन यहीं से शूट किया गया है दोस्तों दाता मूवी में। आपने देखी होगी दाता मूवी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। और एक सीन इस जगह का लिया गया, जब बोले मास्टर के छोरा वो मिथुन चक्रवर्ती पानी में गिर जाते हैं,
तो एक सीन यहीं से जब अमरीश पुरी देखते हैं नीचे, तो वो सीन इसी दीवार से शूट किया गया है दोस्तों, आज भी वो टूटी हुई है। एक सीन इस पेड़ का जब उसकी माँ समझाती है मिथुन चक्रवर्ती जी को कि आप अपने आप को प्रेस के हवाले कर दो, एक सीन इस पेड़ से लिया गया है। ये लास्ट में है दोस्तों, पूरा सीन मूवी में आप देख लेना। तो एक से अपनी बंदूक इस पेड़ पर टांगते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी अपनी माँ के चरणों में रखने के लिए, तो वो यहीं से यही पेड़ है दोस्तों, और वो सीन इसी पेड़ का लिया गया है। ये देखो दोस्तों, यही पेड़ है वो, और एक पेड़ ये भी है, इसका भी सीन है मूवी में आपको दिख रहा होगा पीछे। ये मिथुन चक्रवर्ती के पास जो पेड़ है वो यही पेड़ है दोस्तों, एक पता नहीं किस एंगल से लिया था पर ये पेड़ वही है दोस्तों। मैंने आसपास के लोगों से पूछा था, उन्होंने भी बताया था कि यही लोकेशन है वो। तो ये देखो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, इस पेड़ के पीछे ये इनके पीछे आपको बैकग्राउंड में पेड़ दिख रहा है वो यही पेड़ है दोस्तों। और यहाँ पे पहले मटके रखे रहते हैं, अब तो कुछ भी नहीं है, बनवा दिया है सरकार ने। तो वही दोस्तों, वही जगह, बहुत देर में वीडियो आई है, वीडियो को बहुत प्यार देना यार, टाइम नहीं मिलता, नहीं मैं आपको रोज़ वीडियो बना के दे सकता हूँ। और एक सीन इस पेड़ का लिया गया है, अब ये टूट चुका है, और एक सीन इस मंदिर के पीछे का लिया गया है, आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये काली माँ का मंदिर है, इसका पीछे का सीन है थोड़ा सा, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये वो आपको दिख रहा होगा, मिस पर यहाँ खड़े रहते हैं वो जगह है ये, और इस पेड़ का सीन लिया गया है जब वहाँ से फायर करते हैं मतलब चक्रपति जी के ऊपर अमरीश पुरी जी के आदमी, तो वो देखो आपको इस शॉट में दिख रहा होगा, इसी मंदिर का सीन है देखो दोस्तों। और ये सीन पूरा दिखेगा आपको, मैं आपको दूसरे तरह से दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहीं से वो गोली मारते हैं इसी जगह से, तो मंदिर है यहीं से वो सामने गोली मारते हैं, और वो सीन शूट हुआ था ऐसे शूट हुआ था, देखो दोस्तों सीन इस प्रकार से शूट किया गया था। और आपको मैं पहले मंदिर दिखाता हूँ, चलो पहले ये देखो, ये सीन यहाँ से शूट किया गया है दोस्तों, यहीं से फायर करते हैं, आपको मंदिर दिख रहा होगा पीछे से। और एक सीन इसका लिया गया है, आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो यहीं पे बैठ के वो फायर करते हैं, इन्हीं में यहीं जरोकों में फायर किया जाता है, यही है दोस्तों वो। और अभी तो यहाँ ईंटों से चुनाई कर दी है, गेट बंद कर दिए गए इसके अंदर के। और एक सीन यहाँ से लिया गया है, जमरे के दोस्त यहाँ से कूदते हैं, नीचे कूदते हैं, तो वो सीन यहीं का ही है दोस्तों, रमजान उनके दोस्त उनको बचाने के कूदते, वो सीन इसी महल से नीचे का सीन लिया गया है कूदते हुए का। और ये सागर है, आपको दिख रहा होगा सामने, ये सागर वाली जगह है दोस्तों। मूवी में एक सीन यहाँ के लिया गया है जब फायर करते हैं गुंडे मिथुन चक्रवर्ती जी के ऊपर, तो वो यही है दोस्तों, इसी के अंदर से वो फायर करते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती सामने आपको ये पेड़ ये दिख रहा होगा पत्थर, इसी पत्थर की तरफ से करते हैं, आपको इसकी शॉट में देख लिया होगा। और एक इस सीन का यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती अपने दोस्त रमजान के साथ खड़े रहते हैं फायर करते हैं, तो वो सीन यहीं से लिया गया है दोस्तों, आपको इसकी शॉट में दिख रहा होगा पूरा, यही है ये देखो, वो भी पत्थर गए। और एक सीन ऐसे था जब वो फायर करते हैं और वो ऊपर से गिरते हैं, एक सीन इसका भी लिया गया, आपको दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन शॉट में, ऊपर की चोटी भी दिख रही है, मुझे पानी भी दिख रहा है। तो यहीं का सीन है दोस्तों, पहाड़ मैच कर सकते हैं आप, यहीं का सीन है, आपको चोटी भी दिख रही होगी और ये भी दिख रहा होगा पूरा, यहीं का सीन है दोस्तों वो। और एक सीन और है वो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सीन थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक सीन ही इस के छज्जे का लिया गया है, अब यहाँ से कूदते हैं गुंडे को फायर करते तब, तो इसी का है वो दोस्तों सीन, इसी का सीन लिया गया है। ये मंदिर का झंडा दिख रहा होगा आपको, और ये सागर है, अब सूख चुका है, पहले तो काफ़ी भरा हुआ था, यहाँ तक ऊपर तक था, अब तो खाली हो गया है, बर सूख जाता है पानी। तो चलिए चलते हैं फिर अगले सीन की तरफ, और ये देख लीजिए पूरा ये सागर का नज़ारा है। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी गाय पशु पक्षी चरने आते हैं, पक्षी नहाने आते हैं पानी में,
और वो सीन आपको दिखाई दिया था मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में। तो यही सीन है दोस्तों, मूवी में काफ़ी सीन लिए गए हैं। अभी मैं आपको एक दूसरी वीडियो और बनाऊंगा जिस जगह का शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट होती है और मूवी स्टार्ट होती है तो वहीं का सीन है। और आपको ये सीन दिख रहा होगा, पत्थर वगैरह दिख रहे होंगे, ये इसकी शॉट में भी दिख रहा होगा, ये अंदर से सीन लिया गया था, मैं बाहर से ले रहा हूँ। यही सीन है दोस्तों। और एक सीन यहाँ से लिया गया, अब मैं आ चुका हूँ आमेर किले के अंदर। एक सीन इस जगह का लिया गया है जब राजा साहब के साथ शादी करवाते हैं अमरीश पुरी अपने बेटे की, तो एक सीन यहाँ का है। ये गेट आप मैच कर सकते हो जब मिथुन चक्रवर्ती लड़ाई करते हैं, तो इस इन्हीं गेटों का सीन आप देख सकते हो। बहुत अच्छी सजावट की थी पहले यहाँ पे पोलों से, तो आपको ये पूरा सीन दिख रहा होगा दोस्तों। और ये सामने का गेट, इसका भी सीन आता है मूवी में। और यहाँ पे अमरीश पुरी जी खड़े रहते हैं और गेट इस प्रकार से दिखता है, आपको खिड़की मैच कर सकते हो। इसी कमरे के पास खड़े रहते हैं मिथुन अमरीश पुरी जी। यही सीन है दोस्तों। और काफ़ी कुछ सीन लिए गए हैं इस बरामदे से भी। एक सीन यहाँ से लिया गया है, आपको दिख रहा होगा पीछे, एक सीन इस जगह का लिया गया है दोस्तों। और ये पूरे खम्बे का बहुत अच्छा सीन लिया गया है फिल्म में, आप देखना फिल्म एक बार, बहुत अच्छी फिल्म है। लास्ट के सीन में आता है जो जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो सीन लास्ट में आता है मूवी के, आप देख सकते हो उसको। तो यही सीन है दोस्तों। और जब शशि कपूर बोलते फायर, तो यही का सीन लिया गया, इन्हीं खम्भों का अलग एंगल से लिया गया है, इन्हीं खम्भों का सीन लिया गया है दोस्तों, देख लीजिए आप। और ये सामने यहाँ से भी लिया गया है एक सीन, ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार के सीन लिया गया है, देखता हूँ अगर मैं आपको ऐसे करके दिखा सकूँ तो। पता नहीं उसका बड़ा कैमरा रहता है उनका, तो जूम करके सेट कर लेते हैं वो तो। और इस गेट का भी सीन है, काफ़ी इन खम्भों के सीन है, इसके अंदर काफ़ी सीन शूट हुए हैं मूवी के, आप देखना मूवी का बहुत अच्छा है। एक सीन इस जगह का आता है जब शशि कपूर मिथुन चक्रवर्ती की बंदूक पकड़ते हैं, तो सीन यहाँ का था। एक सीन यहाँ का आता है जब अमरीश पुरी मारते हैं, तो एक सीन यहाँ का है, इसको आपको दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर सीन यहीं का ही है दोस्तों। और द रियल टीवी इंडिया में रियल वीडियो बनाई जाती है, आपको पता ही होगा, ये तो बिल्कुल रियल वीडियो बनाता हूँ मैं, फेक कोई वीडियो नहीं होती इसमें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करना अपने भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब करना यारो, और लाइक करना वीडियो को, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको और जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूँ। ये आमेर का किला है दोस्तों ऊपर का, इसी इसका सीन लिया गया है, आपको दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर। अभी के धूप पड़ रही है यहाँ पे, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सीन की तरफ। एक सीन इस पर हम देखा लिया गया है, यहाँ पे सजावट होती है पूरी फूलों से, यहाँ का भी सीन है दोस्तों, आप देखना मूवी में बहुत अच्छे सीन है। और एक सीन इस जगह का लिया गया है जब पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं अमरीश पुरी जी को, तो एक सीन यहीं का ही है। तो ये देखो आप पीछे से, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो अमरीश पुरी को लेके जा रहे हैं, तो यही है सीन दोस्तों। ये सबको गेट दिख रहा होगा और जालियाँ दिख रही होंगी, और पहले ये रेड कलर से पुती हुई थी और अब ये क्रीम कलर से पोत दी गई हैं, पहले का कलर रेड था आपको। और एक सीन यहाँ से लिया गया जब राजा साहब आते हैं, तो एक सीन इस गेट का लिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रॉपर वही गेट है, ये देखो वही गेट है ये दोस्तों, पेंटिंग मैच कर सकते हैं आप। और एक सीन और लिया गया है थोड़ा नीचे से इसका, ये पूरा सीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ मेरे सामने पहाड़ियाँ हैं आमेर की, आमेर पहाड़ियों के बीच में है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत, और ये आपको मैं बताता हूँ लाल कलर से, आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, आपको शॉर्ट पर लाल दिख रही होंगी ये जालियाँ, और ये लाल पहले तो लाल थी आज से 30 साल पहले, और अभी ये क्रीम कलर की होगी, आपको दिख रहा होगा हल्का सा लाल लाल सा, ये पहले लाल ही कलर की थी दोस्तों। यहीं का सीन लिया गया है उसमें मूवी में,
और एक सीन और लिया गया है, आपको मैं दिखाता हूँ, जब राजा साहब की बेटी को दुल्हन बना के ले जाते हैं, तो ये वो सीन यहीं का ही है। उनकी सखियाँ बात करती हैं, राजा साहब खड़े रहते हैं मूवी में, तो वो सीन इसी जगह का लिया गया है, इन छतरियों का अंदर से। ये देख लिया, आप प्रॉपर मैच कर सकते हो, वही पेंटिंग है, वही यह जगह है, आपको दिख रही होगी पूरी प्रॉपर। ये देखो, बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, एक बार जरूर देखना मूवी। यहीं का सीन है वो पूरा, यहीं पे 4-5 शॉट लिए गए थे इसी जगह के। ये देख लीजिए, स्क्रीन शॉट में आपको दिख रहा होगा, यही सीन है दोस्तों प्रॉपर। आपको जैसे मूवी में लिया गया था, ऐसे ही मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।